वेलकम बैक टू द वीडियो। वीडियो में बात कर रहे हैं ब्रांडेड कंटेंट टूल्स के बारे में। यहाँ गाइस कुछ लोग इंस्टाग्राम पर ब्रांडेड कंटेंट टूल का यूज करके लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको ब्रांडेड कंटेंट टूल्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम पर ब्रांडेड कंटेंट टूल से पैसे भी कमाए जाते हैं। या फिर आप में से कब सारे बंदे ऐसे भी होंगे जिनका वो अभी तक इनएलिजिबल होगा, यानी कि आप इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन के लिए इलिजिबल नहीं होंगे। तो गाइस अगर आपके भी इंस्टाग्राम पर 1,000, 2,000 या फिर 10-20 हज़ार फॉलोअर है, फिर आपके लाखों में फॉलोअर है, लेकिन आपको ब्रांडेड कंटेंट टूल्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ब्रांडेड कंटेंट टूल्स होता क्या है, क्या इसका यूज है, या फिर अगर आपका ये इलिजिबल है तो कैसे आपको इलिजिबल करना है, सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइस यहां पर मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूं। आप यहां पर देखिए मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया। जैसे आप इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हो, अब ये आपको दो जगह पर शो करता है। सबसे पहले यहां पर आपको करना क्या होता है, आपको सिंपल यहां पर प्रोफाइल पे आना होता है। जैसे आप प्रोफाइल पे आ जाते हो, यहां पर आपने अपने अकाउंट को प्रोफेशनल तो बना ही रखा होगा, ठीक है। अगर आपने प्रोफेशनल बना रखा होगा तो यहां पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो करता है। अगर आपने नहीं बना रखा तो आप उसका यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट प्रोफेशनल बना लेना है। प्रोफेशनल बनाने के बाद आपको करना क्या होता है, आपको सिंपल थ्रेड पे क्लिक करना होता है। जैसे आप थ्रेड पे क्लिक कर देते हो, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर आप नीचे की तरफ आते हो, जैसे आप यहां पर नीचे की तरफ आओगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स का, ठीक है। तो आप सिंपल इस पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन के काफी सारे टूल्स यहां पर मिल जाते हैं, जिनको आप रनिंग के टूल भी बोल सकते हो, जिनसे आप पैसा कमा सकते हो। जैसे कि यहां पर सबसे पहला गिफ्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, फिर उसके बाद यहां पर एड पेमेंट्स हो गया, फिर उसके बाद यहां पर एड प्लेसमेंट्स हो गया, फिर ऐसे करके यहां पर ब्रांडेड कंटेंट, ठीक है। तो आपको करने क्या है, आपको सिंपल यहां पर ब्रांडेड कंटेंट पे क्लिक कर देना है। जहां से भी आप ब्रांडेड कंटेंट पे आ सकते हो, या फिर यहां पर आप एक काम करोगे, आपको करने क्या है भाई, आपको सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहां पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर भी आपको इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन के टूल्स नजर आ जाते हैं, ठीक है। आप यहां पर देखिए, यहां पर भी ब्रांडेड कंटेंट शो कर रहा है। तो आपको करने क्या है, आप यहां से भी आ सकते हो, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको चेक लेना है कि ये आपका एलिजिबल है या नहीं। अगर ये आपका इनएलिजिबल शो कर रहा है तो कैसे आपको इसको एलिजिबल करना है, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आखिर लोग इससे पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, फिर कैसे आप इसका यूज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो भाई देखिए, सबसे पहले चीज, अगर ये आपका एलिजिबल होगा तो यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपका ऐसा शो करेगा यू आर एबल टू मोनेटाइज, ठीक है, यानी कि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि आपका मोनेटाइजेशन स्टेटस बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि कुछ भी दिक्कत नहीं है। साथ में यहां पर ब्रांडेड कंटेंट के सामने ग्रीन टिक शो करता है, एंड जितने भी फीचर आपको अर्निंग के लिए इंस्टाग्राम की तरफ से मिले होते हैं वो सब यहां पर आपको नीचे की तरफ शो कर जाते हैं। जैसे कि यहां पर ब्रांडेड कंटेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, गिफ्ट हो गया, ये तीन फीचर हमको मिले हुए हैं, ठीक है। साथ ही मैं इनसे अर्निंग भी करता हूं, बट यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में ब्रांडेड कंटेंट के बारे में ही बताऊंगा आखिर लोग इससे पैसा कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं इसको बैक कर देता हूं, एंड यहां पर सब कुछ जानते हैं, यहां पर मैं आपको सब कुछ विद प्रैक्टिकल समझाता हूं ताकि सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। गाइस सबसे पहले यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको नीचे की तरफ काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि यहां पर पेड पार्टनरशिप लेवल के नीचे आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट अप्रूवल फ्रॉम ब्रांड पार्टनर्स, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। गाइस यहां पर आपको करना क्या होता है, यहां पर आपको टॉप में मिलता है सर्च बार, यहां पर आपको उस ब्रांड का नाम सर्च करना होता है जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हो, यानी कि जिस भी चीज का प्रमोशन करने वाले हो सकता है कि कोई वेबसाइट हो या फिर कोई एप्लीकेशन हो या फिर मतलब कोई ब्रांड हो, ठीक है। तो ये तो आप समझिए कि यहां पर आपको किसी ब्रांड का या फिर किसी कंपनी का अकाउंट सर्च करना होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको प्रमोशन मिलेंगे। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रहे, यहां पर आपको उसी कंपनी का फिर उसी ब्रांड का यहां पर आपको अकाउंट सर्च करना है जो आपकी कैटेगरी में आता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं, मैं टेक्निकल वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मतलब जितनी भी एप्लीकेशन होती है, फिर मतलब जितनी भी वेबसाइट होती है या फिर जो हमारे कंप्यूटर है जिनका वो प्रमोशन करते हैं, अगर मैं चाहूं उस कंपनी का यहां पर नाम सर्च करके उस कंपनी के पास मैं रिक्वेस्ट डाल सकता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं मोज ऐप सर्च करता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जितने भी मोज के एप्लीकेशन है, मतलब जितने भी मोज के ऑफिशियल पेज है, यानी कि जितने भी उनके ऑफिशियल अकाउंट है, वो सब यहां पर आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूं उनके पास रिक्वेस्ट डाल सकता हूं, अगर इनको अपना प्रमोशन कराना होगा तो ये मुझसे करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनके पास अभी यहां पर रिक्वेस्ट डालता हूं तो मतलब कुछ पता नहीं कि कितने दिन के बाद यहां पर ये एक्सेप्ट करे। तो यहां पर आपको ज्यादा बड़ी कंपनी के पास भी रिक्वेस्ट नहीं डालनी है, आपको यहां पर अपने हिसाब से मतलब देख लेना है, ठीक है। तो यहां पर मैं फिलहाल यहां पर अपने सेकंड अकाउंट पर ही डाल देता हूं, क्योंकि यहां पर छोटी मोटी चीजों का तो हम भी प्रमोशन कराते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं आप लोगों को विद प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, यहां पर मैं किसी सेकंड अकाउंट को सर्च कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैं सबसे पहले इसको बैक कर देता हूं। यहां पर आप देखिए मेरे फोन में दो इंस्टाग्राम ऐप है, फर्स्ट वो जिसमें आपको समझा रहा हूं, सेकंड यहां पर आप देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। गाइस जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इस अकाउंट पर आ चुका हूं, अब हम क्या करते हैं कि हम इस अकाउंट पर कोई पोस्ट डालेंगे, ठीक है, प्रमोशन की। साथ ही यहां पर हम उस वाले अकाउंट पर जो मेरा सेकंड अकाउंट है, यानी कि जो हमारा बड़ा अकाउंट है जिस पर हमारे लगभग 2 लाख फॉलोअर है, उस वाले अकाउंट के पास हम रिक्वेस्ट डालेंगे। साथ ही यहां पर मैं आपको एक्सेप्ट करके भी दिखाऊंगा, एंड मैं आपको बताऊंगा भाई कैसे आपको उसका यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको सिंपली प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आना है। जैसे आप इसमें आ जाएंगे, उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको ब्रांडेड कंटेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल फ्रॉम ब्रांड पार्टनर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे,
यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं अपनी सेकंड आईडी को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारी आईडी आ गई एंड हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इस वाले अकाउंट पर रिक्वेस्ट डाल दिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको बैक कर देंगे एंड हम चलते हैं अपने उस वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए मैं इस पर आ गया हूँ एंड यहाँ पर हम प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएंगे। अब ये समझ लीजिए कि ये जो अकाउंट है ये कंपनी का अकाउंट है, ठीक है, एंड हमने उस अकाउंट से रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर सिंपली अपने ब्रांडेड कंटेंट में जाएगी, जैसे ही उसमें जाएगी उसके बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर उसको नीचे की तरफ मिलता है अप्रूव कंटेंट क्रिएटर का ऑप्शन, ठीक है। तो वो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देखिए हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है जो एलवी के नाम से। तो कंपनी क्या करेगी, आपकी रिक्वेस्ट को देखकर आपके आईडी पर क्लिक करेगी, आपके आईडी पर क्लिक करने के बाद आपके फ्लोर चेक करेगी, साथ ही आपका कंटेंट देखेगी। अगर उसको आपका कंटेंट पसंद आता है, फिर उसको लगता है कि अगर हम इनसे प्रमोशन कराएंगे तो हमको फायदा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगी आपकी आईडी को अप्रूव कर देगी, ठीक है। कंपनी जैसे ही अप्रूव कर देगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद आप मतलब डायरेक्टली इनसे बातचीत कर सकते हो कि भाई आपको कितने में प्रमोशन करना है, कितने आपको एडवांस में चाहिए, कितने आप बाद में लोगे, वो सब चीजें डिस्कस करके उसके बाद आप पोस्ट डालोगे, ठीक है। पोस्ट आप कैसे डालोगे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं सेकंड वाले स्ट्राम को ओपन कर लेता हूँ, मैंने इसको ओपन कर लिया। आप यहाँ पर देखिए मैं उस वाले अकाउंट पर आ जाऊंगा जिस पर हमें पोस्ट डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक कर दूंगा, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप सिंपली ब्रांडेड कंटेंट पे आएंगे। अगर यहाँ पर आप देखिए जिस कंपनी के पास यानी कि जिस सेकंड अकाउंट के पास मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से वो अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। साथ यहाँ पर मुझे शो भी कर जाएगा कि वो यहाँ से अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको बैक कर देंगे। बैक करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको पोस्ट डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस सेकंड पे क्लिक करेंगे। प्लस सेकंड पे क्लिक करने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी एक फोटो डाल देता हूँ, अगर आप चाहो यहाँ से रील भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैं ये वाला फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, अपने सिल्वर प्ले बटन का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना होता है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देता है। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करके यहाँ पर आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एड पेड पार्टनरशिप लेवल, ठीक है। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना होता है, जैसे आप क्लिक कर देते हो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जिस कंपनी ने हमें अप्रूव किया होगा वो कंपनी यहाँ पर हमें शो कर जाएगी। यहाँ पर मैंने उस वाले अकाउंट से इसको अप्रूव कर दिया तो यहाँ पर मेरा अकाउंट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए जो कंपनी होगी वो इस पोस्ट का इनसाइट देख पाएगी, साथ ही इस पोस्ट को चेक कर पाएगी कितने लाइक आए, कितने व्यूज आए या फिर इसकी कितनी रीच गई, वो सब चीजें यहाँ से चेक कर पाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली राइट हैंड पे क्लिक कर देंगे एंड हम जैसे इसको शेयर करेंगे, शेयर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए शेयर टू इंस्टाग्राम ओनली पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पर ये पोस्ट आ गई, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस पोस्ट को डाल दिया है। अगर जैसे आप पोस्ट डाल दोगे उसके बाद यहाँ पर आपको पेड पार्टनरशिप का लेवल भी शो करेगा, साथ ही वो कंपनी भी शो करेगी। जो भी आपके व्यूवर्स देखेंगे, जो भी बंदे उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये इस कंपनी का है, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरह से ब्रांडेड कंटेंट टूल्स वर्क करता है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा ब्रांडेड कंटेंट टूल्स क्या है, कैसे ये वर्क करता है। अब अगर आपको ये जानना है कि आपको कितने फ्लोर पे कितना चार्ज करना चाहिए तो ये वीडियो देखो, और अगर आपका ब्रांडेड कंटेंट इनएलिजिबल शो कर रहा है तो ये वीडियो देखो।